सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने मंडी में हुए अतिक्रमण को खाली कराने के लिए नवीन महवा मंडी में व्यापारियों के साथ बैठक की, जिसके संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि मंडी में व्यापारियों द्वारा विभिन्न समस्याएं बताई गई थीं, जिसके निस्तारण के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें मंडी के सभी व्यापारी शामिल हुए। उन्होंने कहा, बैठक में व्यापारियों को पानी की समस्या, अतिक्रमण पर चर्चा की गई, क्योंकि मंडी में अतिक्रमण की वजह से हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसको हटाने के लिए एक हफ्ते का समय दिया गया है। सभी अतिक्रमणकारियों की एक सूची बनाई गई है। अतिक्रमण को हटाने के लिए सभी व्यापारियों ने सहमति जताई है। अगर 7 दिन के अंदर अतिक्रमण नहीं हटता है तो अगले सोमवार से अतिक्रमण अभियान चलाकर अतिक्रमण को खाली करवाया जाएगा। इस अवसर पर मंडी निरीक्षक अंकुश श्रीवास्तव सहित मंडी के व्यापारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, ठीक है ना, आपको कल खाली कराते हैं, अन्यथा कार्रवाई जो है जो भी उचित बनेगी की जाएगी। इस समय में अगर किसी को कोई समस्या है मंडी में तो वो अपनी बातें कह सकता है। काम का जो मूल्यांकन है वो हम खुद करेंगे कि हम उन्होंने कितना काम किया है। दूसरा आपसे फीडबैक है कि आप बताएंगे कि उन्होंने कितना काम किया। इसमें 2-3-4 प्रमुख बिंदु हैं जिसपे हम लोग बात करेंगे, 2-3-4 बातें होंगी, उसके बाद आपको जो समस्याएं हैं आप अपनी समस्याएं बताइए, उन समस्याओं को हम लोग लिखेंगे और उसका जो भी निस्तारण होगा वो होती रहती है कि साफ सफाई व्यवस्था जो है वो अभी भी उतनी उच्च स्तर की नहीं, उतनी अच्छी नहीं हो पाई है। देखिए, आपके भरोसे अगर आप अगर आपके हिसाब से रहेगा तो सब कुछ सही चल रहा है, कुछ गलत चल ही नहीं रहा है। इनका अवैध अध्यासन है करीब 360 वर्ग फुट का। दुकान के आगे बांस बल्ली लगा के ये अपना कारोबार कर रहे हैं, वहाँ फेंक के चले गए कि कोई पता नहीं कर पाएगा। तो मंडी में कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे में क्रियाशील कराने हैं, सारे कैमरे क्रियाशील होंगे मेरे हिसाब से, एक बार उनको चेक कर लेना है। और हर आरती ने कितनी सफाई रखी है अगले एक हफ्ते में, ये हमें देखना है कि कितना इन्होंने सहयोग किया है। सफाई व्यवस्था अच्छे से नहीं करेगा उसके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी, जुर्माने की कार्रवाई, या मंडी के भी जो लोग हैं स्टाफ हैं जो सफाई व्यवस्था अच्छे से नहीं करा पा रहे हैं उसके ऊपर भी वही कार्रवाई देखी जाएगी। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अब वापस पूरी खत्म होती है। इसके अलावा दूसरी बात जो आपसे करनी है वो ये है कि अभी भी वाहनों की जो बात हुई थी कि वाहन मेन रोड पे ना खड़े हो, पर उस पे फिर भी अभी तक अंकुश नहीं लग देखिए, मंडी में व्यापारी द्वारा विभिन्न समस्याएं बताई गई थी जिसके समाधान हेतु एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सभी आरती जो थे और मंडी के जो व्यापार मंडल के लोग थे उनके प्रतिनिधि, इसके अलावा मंडी के सारे इंस्पेक्टर्स और मंडी के पूरे स्टाफ एक साथ बैठक में बैठे थे। तो इसमें जो इनकी प्रमुख समस्याएं थी, जैसे कुछ लोगों को पेयजल की कई जगह समस्याएं थी, इसके अलावा बहुत समस्याएं इस तरह की थी कि अतिक्रमण हुआ हुआ है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ये सब समस्याओं का विस्तृत इसका नोट बनाया गया है और इसका समाधान कराने का अब एक हफ्ते में समय दिया गया है। सभी व्यापारियों को बताया गया है कि उनका अतिक्रमण कितना है और सभी पूरी सूची बनाई गई है अतिक्रमणकर्ताओं की, और उनको 7 दिन समय दिया कि अपना अतिक्रमण हटा लें, और व्यापारी स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने को तैयार भी हुए हैं। तो 7 दिन के अंदर अतिक्रमण वहाँ पर पूरा हट जाएगा, नहीं हटने की दशा में अगले सोमवार से वहाँ पर अतिक्रमण अभियान चलाया जाएगा और उस पर नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त व्यापारियों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, कुछ पानी के वहाँ पे जो वहाँ पे पानी के वाटर प्लांट्स लगे थे वो उस पर खराबी थी, तो उसको भी सही कराने के लिए बोल दिया गया है। तो ये कुल समस्याएं थी। कुछ लोगों को वाहन ऐसे थे जो वाहन रोड पर खड़े होते जिससे जाम की समस्या होती थी, तो सब समस्याओं का निराकरण कर लिया गया है और सबके निराकरण के लिए निस्तारण के लिए 7 दिन समय दिया गया है। ये सभी समस्याएं 7 दिन निस्तारित हो जाएंगी और निसर्ग दशा में अगले सोमवार से इन सब के लिए एक अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।